सुरेश अगर आगे ना आता तो घोड़ी उसे ना लगती। पर मांगे सोचो, सामने से आने वाला बस्ट अगर अपना एम्युनेशन बंक को हिट करता तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता। एक्चुअली जब भी आर्मी का कोई जवान शहीद होता है तो आर्मी का बहुत बड़ा लॉस होता है। हाँ सर, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की मगर। हाँ, मेरी बात हुई डॉक्टर्स से, उन्होंने कोशिश की बट। सुरेश हमारे बीच में नहीं रहा, इसका हमें खेद है। मगर हम उसका सम्मान करते हैं, वो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ। अगर वो ऐसा ना करता तो हमारी पलटन का बहुत बड़ा नुकसान होता। देश के लिए जो कुर्बान हो जाए ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब हो। सिर्फ सुरेश ही बहादुर नहीं था, उसका पूरा परिवार बहुत बहादुर है। हम ऐसी मां को सलाम करते हैं जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। सुरेश की बहन उससे छोटी है। जी साहब, उसने मुझे कहा भी था, इन छुट्टियों में जाकर गुनिया की शादी करवा के फारिग हो जाऊंगा। जी साहब, अपनी बहन की शादी के लिए उसने लड़कों की फोटोज भी दिखाई थी मुझे। अब उसने कहा था कि अपनी बहन की शादी में पूरे पलटन को दावत देगा। दुनिया ने पिछले साल मुझे भी राखी भिजवाई थी। यही तो प्यार मोहब्बत है जो हमें एक डोर में बांधे रखता है, हर परिवार से दूर मगर सारा संसार अपना सा लगता है। एक बहुत बड़ा परिवार। हम जो इस दुनिया में आए हैं, एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उस आसमान में तारा बनकर इस दुनिया को देखना है। चंद खुश नसीब होते हैं जो मान सम्मान के साथ इस दुनिया से जाते हैं। भगवान खुद चुनता है ऐसे लोगों को। रब की मेहर के बिना ऐसी मौत नहीं आती। धन्य है वो मां बाप जिनकी ये औलाद है। देश के लिए मर मिटना, देश के लिए अपनी जान देना बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। कल शहीद सुरेश को आखिरी सलामी दी जाएगी, इसकी तैयारी कीजिए। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं,
शहीद की बॉडी को एयरफोर्स कानपुर पहुंचाएगी। उसके बाद वहां से हमारे पलटन के ऑफिसर्स चार्ज लेंगे। मेजर सुजीत और जेसी और उनके साथ चार जवान शहीद की बॉडी को एकम्पनी करेंगे। अंतिम संस्कार पूरे आर्मी ऑनर्स के साथ होगा, प्लीज याद रखिएगा। एंड प्लीज जस्ट सी टू इट कि कोई कमी न रहने पाए, प्लीज। इट्स माय वेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। संभालिए आप अपने आप को, यू आर सो टफ, आपको तो हौसला रखना होगा ना। क्या है श्वेता कि मैं पलटन में सिर्फ महज एक ऑफिसर नहीं हूं, इन सब की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। I'm like a father figure to them. समझ सकती हूँ। मतलब जब एक बाप अपना होनहार बेटा खो देता है तो I realize today कि कितनी तकलीफ होती है। So difficult, एक वैक्यूम सा हो जाता है। कौन डैड? वो शहीद जवान? हाँ सुरेश, बहुत बहादुर जवान था। आज उसका क्रिमेशन है उसके अपने गांव में। ये सब कुछ देखकर तुमने कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल गया? नो डैड, तो पक्का इरादा कर लिया है कि आर्मी ही चाहिए। That's like my son. डैड, वैसे कल मैं रिटर्न जा रहा हूँ, मेरे वैकेशंस भी खत्म हो रहे हैं एंड कल स्कूल भी जाना। इसके वेकेशंस इतने जल्दी क्यों खत्म हो जाते? लेकिन कोई बात नहीं डैड, जो भी एसएम बलदेव सर ने सिखाया है उसे बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करूंगा और अगली छुट्टी में उसे और कुछ ज्यादा सीख कर जाऊंगा और अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पिरेशन दूंगा। शाबाश, गुड।
सॉरी टू से सर, बट हमें इंतजार किस चीज का? सीधा अटैक करना चाहिए सर। सर मैं तो कहता हूं सीधा धावा बोल देना चाहिए। यस सर, बेटर टू फिनिश वंस फॉर ऑल। यस सर, आई ऑल्सो डू एग्री। अभी गए हैं, कुछ दिनों खामोश बैठेंगे, फिर चंद दिनों बाद फिर वापस आ जाएंगे, फिर वही छुप छुप के वार। अभी यहां फायरिंग, कभी वहां फायरिंग। सर मुझे लगता है क्यों ना हम एक बार में सब कुछ खत्म कर दें। इससे क्या होगा? एक फुल फ्लेज वॉर। ऑफिसर्स, क्या आप लोगों को पता है एक वॉर से देश 10 साल पीछे चले जाते, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ जाती है और फिर से संभालने में 10 साल लग जाते हैं। तो सर इसका सलूशन क्या है? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और इंतजार करते रहें, कुछ ना करें? पेशेंस माय बॉय, पेशेंस। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इट इज नॉट पॉसिबल सर, ऐसा नहीं होता। सर इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ ट्रस्ट। हम दोनों देशों के लोग एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं कर पाते। हाँ ये बात सही, दोनों देशों के बीच में अविश्वास तो है। सर अविश्वास का कोई इलाज नहीं होता, ना पर्सनल लाइफ में और यहाँ तो दो देशों के बीच की बात है सर, इट्स इम्पॉसिबल। ये लड़ाई झगड़े तो यूं ही चलते रहेंगे जब तक दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट ना डेवलप हो। सॉरी सर बट मैं ये सब बचपन से देख रहा हूँ और तब से आज तक कुछ भी नहीं बदला। हम दोनों देशों के बीच में दूरियां सब कुछ वैसी की वैसी ही बनी हुई है, सब कुछ वैसा ही है। सर मुझे तो डर लगता है कि हमारे बच्चे भी यही माहौल देखेंगे, कुछ नहीं होगा। गैरी डोंट बी पेसिमिस्टिक, उम्मीद और हौसला दोनों ही नहीं छोड़ना चाहिए और यही हमारे आर्मी का मूल मंत्र है। बट हमें ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना चाहिए, अपनी तैयारी पूरी रखो। चाहे कुछ भी हो, आर्मी में जब कोई जवान शहीद होता है, चाहे वो हमारे देश का हो या उनका, दुख सबको होता है। हमें इनके आने की खबर कैसे नहीं लगी? जनाब वो लोग चौकन्ने हो गए। जनाब लगता है हमारे बीच ही कोई गद्दार है जो उन तक ये खुफिया भरी खबरें पहुंचा रहा है। इतने एहतियात के बाद भी ये हाल, लगता है अब हमें लोगों को शामिल करने से पहले कुछ शर्तें रखनी पड़ेगी। हमें किसी को शामिल करने की जरूरत है, जो है हमें उन्हीं से काम चलाना है। अफसोस उन चार बंदों के मरने का नहीं, अफसोस तो इस बात का है कि हमें वापस आना पड़ा। हमारा ऑपरेशन नाकामयाब रहा। जी जनाब। चलो फिक्र करने की कोई बात नहीं, हमारे काफी भाई अभी भी हैं उनके सरजमीं और अपने दुश्मन मुल्क के बंदे भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार। तो आगे क्या करना है जनाब? बस अगले इंस्ट्रक्शन का इंतजार, मिलते ही हम लोग अगला कदम उठाएंगे। जनाब इन सब का क्या फायदा, हम किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं रहे हैं। मतलब खामखा हमारे बंदे मारे जा रहे हैं और उनके भी, उन काफिरों की क्या फिक्र करनी नौजवानों, ये सोचो कि अपने बंदों को कैसे तैयार करना है। नौजवानों हमें तुम्हारे जैसे और नौजवान चाहिए जिहाद के लिए।
जनाब बंदे तो बहुत हैं। मेरे खुद के खानदान में मैं, मेरे चाचा, मेरे मामा के मिला के 10 लड़के हैं। मैं खुद आपके साथ और 2 तैयार हो रहे हैं, लेकिन जनाब इन सबका क्या फायदा? नतीजा तो मौत ही है। मैं मौत से डर लग, कि तुम्हें ट्रेनिंग किस बात की दी गई? अपने वतन से इश्क करना सीखो, मर मिटो। वतन की सरजमी पे मरना शहीद कहलाता है, ये कोई मामूली मौत नहीं है। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम नए हो, तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं, नौसिखिए हो तुम। खुदा के बंदे, पुराना हिसाब किताब देखो, पुरानी तारीख देखो, दुश्मन मुल्क ने हमेशा हमें शिकस्त दी है, आखिर क्यों? नौजवानों, हम भी किसी से कम नहीं है, हमने भी मुकाबला किया, डटे रहे, लेकिन दुश्मन की चालाकी की वजह से पीछे रहे, वरना। जी जनाब, हमने भी बराबर की टक्कर दी है। हमारे लिए जिहाद क्या, क्या सिखाया गया है तुम लोगों को ट्रेनिंग में? मरो या मारो, ना सो ना सोने दो। बहुत खूब, दुश्मन का जीना हराम कर दो। आमीन। सुमाई कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज, आप सबकी कंट्रीब्यूशन और मेहनत की वजह से हमारा ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सर, बट हमारा एक जवान, आई नो, मुझे बहुत दुख है कि ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे ने हम में दुगना जोश भर दिया है। यस सर, हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं सर। सर, ऑपरेशन जीत के सक्सेसफुल होने से सारे जवानों में बहुत जोश है, और सुरेश की शहादत पर हमें गम नहीं बल्कि फक्र है। That's the spirit, my boy. And to be honest, आर्मी में रोज ये किस्से होते हैं। अब सुरेश शहीद हुआ है, कल हम में से कोई हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डर कर बैठ जाएंगे, isn't it? No, sir. अपनी शपथ को याद करो जेंटलमैन, हम सब ने देश के लिए मर मिटने की शपथ खाई है। तो फिर जिंदगी की किताब में से ये पन्ना पलटते हैं और आगे की सोचते हैं। हमारी एक और मिशन प्लानिंग स्टेज पर है, आप लोग सब बस तैयार रहे, बहुत जल्द दूसरे मिशन पर जाना। Yes. It's all for now. Thank you, gentlemen. Thank you, sir. Thank you, sir. तुम भी कोई जय। सुरेंद्र, तुम्हारे सोर्स से कोई खबर? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन तो मिली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो लोग फोन पर डिस्कस नहीं करेंगे। They want to come and discuss this personally. भरोसा करना चाहिए। हाँ सर, सोर्सेस रिलायबल है। बस होशियार रहना, आई मीन हर खबर को डबल चेक करना। डोंट वरी सर, तालाब की गहराई तो नाप कर रहा हूं। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, लेकिन क्या है, ऐसे लोगों पर हद से ज्यादा ट्रस्ट करना मतलब एनी टाइम्स इट टर्न्स इनटू बिट्रेयल, जस्ट बी कॉशियस। कॉपी सर। थैंक यू। आज बड़े रिलैक्स लग रहे हो। थोड़ा हल्का सा महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। अच्छा बताओ कि तुम्हारी बेटी कैसी है? बेटर, मच बेटर। तबीयत में काफी सुधार है, मुझे लगता है शी इज रिस्पॉन्डिंग टू द न्यू मेडिसिन। बस तो ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द ठीक हो। बहुत प्यार करते हो ना प्रिया से? बहुत प्यार करते। परी है वो, माय एंजल। उसकी एक मुस्कुराहट मेरी जिंदगी में रोशनी भर देती है। सोच रहा हूँ कि उसे वापस बुला लूँ। यहाँ 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 कहाँ?
आई मीन पहले उसे ठीक हो जाने दो, उसके बाद सोच लेना। और मेरे हिसाब से बच्चों को हॉस्टल में अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहिए, और एक डिसिप्लिन में रहते हैं और जिंदगी का मुकाबला करने के अकेले काबिल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रह जाते। नहीं देखो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। देखो तुम हॉस्टल में उससे मिलने तो जाते ही रहते हो, यानी कि उसे प्यार तो मिल ही रहा है, और रही बात उसकी ख्वाहिशों की, फरमाइशों की, तो सब तुम पूरी करते हो, तो फिर उससे ज्यादा एक बच्चे को क्या चाहिए? शायद तुम ठीक कह रहे हो। और बताओ ऑफिस में क्या चल रहा है? तुम ज्यादा काम तो नहीं कर रहे हो ना? ऑफिस में तो वही सेम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मिशन सक्सेसफुल। तो अब तुम फ्री हो? कहाँ फ्री, बहुत काम है। अब कौन सा काम? कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहा हूँ। मेहमान? कहीं किसी गर्लफ्रेंड को डेट तो नहीं कर रहे हो ना? कम ऑफ इट यार, नो गर्लफ्रेंड। हाँ हो भी सकता है, मिल गई होगी कहीं सरहद पार से। ये बात तो सही है, आने वाले मेहमान सरहद पार से ही आ रहे हैं। फिक्र मत करो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।